हमारी फैमिली को तो वैसे ही इतनी हेट मिल रही है, दुनिया में ऐसा लगता है यही एक फैमिली है जिसने बहुत गलत काम कर रखे, हमें तो जीने का हक भी नहीं होना चाहिए। जो कटारिया के कुत्ते भोंक रहे ना, जो कटारिया और एल्विस। दोस्तों आप जानते होंगे पायल मलिक बिग बॉस में विशाल पांडे को खरीदती है कि उन्होंने कृतिका के लिए गंदा बोला है, तो चीज में अभी भी पायल को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है और धमकियां भी मिल रही है, जहां लोग कह रहे हैं कि अनवर मलिक को शो से बाहर निकाल दो। तो इस पर पायल मलिक व्लॉग्स में कुछ ये कहे, आप देखिए। बंद कर दिया मैंने, इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दिया, मैंने फोन देखना बंद कर दिया, क्योंकि ना लोगों के सिर्फ यही कमेंट आते हैं, तुम लोग मतलब मेरे लिए आते हैं, मैंने बहुत गलत किया, ये किया वो किया, अरमान को बाहर निकालो। तो भाई निकाल दो ना बाहर, मैं कब कह रही हूँ उनको रखो, निकाल दो घर भेज दो, अपने घर संभालेगा, बच्चे संभालेगा अपने, मैं तो परेशान हो रही हूँ अकेले। अरमान को क्या, गोलू को भी निकाल दो बाहर, दोनों को निकाल लो, क्योंकि हमारी फैमिली को तो वैसे ही इतनी हेट मिल रही है, दुनिया में ऐसा लगता है यही एक फैमिली है जिसने बहुत गलत काम कर रखे हैं और उनको जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा करो, हमारी पूरी फैमिली सात बंदों की फैमिली है, आके दे दो और मार दो सबको, कलेश ही खत्म। लोगों का एक तरफा बोलना आप लोगों को सही लग रहा है? सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने नहीं आई, सिर्फ वो एक आई जो स्टेज पे मैंने बोला, इतनी सारी चीजें हैं, आप सारी चीजें देख लो, उसके बाद भी अगर आपको लगे कि भाई विशाल ठीक है, विशाल का रिस्पेक्ट बटन, विशाल का विनिंग बटन, जो भी आपको करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो चीज है फैक्ट है उसे तो देखना शुरू करो। ये तीन लोग हैं, एक आदमी ने दो शादी कर रखी है, ये कर रखी है, वो कर रखी है, यही दुनिया में सबसे गलत लोग हैं, हमसे ही सबको नफरत है, हमने ही सारी दुनिया के सारे गलत काम हमने ही किए हैं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों आप जानते होंगे बिग बॉस में कुछ दिन पहले लव कटारिया और नेजी की फाइट हुई थी, तो नेजी को सपोर्ट करने के लिए एजाज खान आगे आए थे, जो चीज के साथ में अलविश यादव और लव कटारिया को भी धमकी दी है, और कुछ एक है अपने वीडियो में आप देखिए। कटारिया के कुत्ते भोंक रहे ना, जो बेटा कुत्तों का काम है भोंकना और शेरों का काम है दहाड़ना, तुम्हारा कटारिया भी किधर मिलेगा ना, बंबई में या दिल्ली में, कभी उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे साथ में। गाली गलौज करने से पहले बंबई हमारा ही है और तुमको नाम बनाने के लिए बंबई आना ही है बेटा, फिर मिलेंगे और हम तो दिल्ली आएंगे, दिल्ली दिल वालों की है, हमारे बहुत पठान भाई लोग हैं उधर, बहुत हरियाणवी भाई लोग हैं मेरे उधर, ऐसे ऐसे तुर्रम सब मानते अपने को, अपन ओरिजिनल है भाई, कटारिया और एल्विस। बेटा तुम तिहाड़ दो दिन जाके आए, यहाँ पे कई जेलों का मुआवजा कर चुके हैं और भर चुके हैं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में मुनावर फरूकी ने अलविश यादव और लव कटारिया दोनों को ट्रोल किया और कुछ ये लिखा ट्वीट करते हुए, कटारिया के दोस्तों के नसीब में चक्की पीसना ही लिखा है क्या? साथ ही इंस्टाग्राम पर मुनावर ये स्टोरी शेयर की है, आप देखिए। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने दोस्त को बोला कि ब्रो शर्त लगा ले इस बार का ना बिग बॉस कटारिया ही जीतेगा, तो मेरे को बोलता है कौन सी बैटिंग है शर्त लगाने का, मत करो यार। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अलविश यादव को स्नेक वेनम केस में एक नोटिस आया है, जहां उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, पर अलविश अभी इंडिया में नहीं है। तो बिग बॉस एक ट्वीट करते हुए ये कहे, अलविश यादव हैज बीन समॉन्ड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी अगेन इन कनेक्शन विद ए मनी लॉन्ड्रिंग केस विच इज रिलेटेड टू द स्नेक वेनम केस। अलविश हैज बीन आस्क्ड टू अपीयर बिफोर ईडी फॉर क्वेश्चनिंग ऑन July 23 आफ्टर ही एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू अपीयर ऑन July 8 सिटिंग हिज फॉरेन टूर, ही इज करेंटली इन द यूनाइटेड किंगडम। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आयशा खान सेफ्टी ड्राइविंग को लेकर कुछ ये कहे इंस्टाग्राम पर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी सॉ टू पीपल इंजर्ड ऑन द मरिनल टाई फ्लाईओवर यस्टरडे, वन वाज ब्लीडिंग एंड वाज इन अ बेटर कंडीशन कंपेरेटिव टू द अदर वन हु फेल फ्रॉम द फ्लाईओवर आफ्टर द एक्सीडेंट ऑन द सर्विस रोड एट लीस्ट 4 फ्लोर हाई, टुक देम टू द हॉस्पिटल एंड द लेटर कुडंट सर्वाइव एंड वाज डिक्लेयर्ड डेड लास्ट नाइट, इट केम टू माई नोटिस लास्ट नाइट डेट समवन इवन कवर्ड द न्यूज ऑफ द सेम बट सेड डेट नो वन टुक इन इनिशिएटिव टू टेक देम to the hospital on time. It's my request to all the youngster who follow me, please drive safely, wear your helmets, do not hesitate helping people in such cases. The Vandai police was extremely cooperative and help us throughout the panchanama process. Your one thoughtful initiative could save a life. Hum chale jate hain, piche reh jate hain wo log, wo parivar jinki puri zindagi isi afsos mein guzarti hai ki kaash bhar na bheja hota, kaash ye na kiya hota, kaash ye kar liya hota. Aap sabhi apna khayal rakhein. I am repeating this again. Drive safely, wear your helmets. Wear your helmets, take your life seriously, be kind and be happy. दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।